हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस के बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएँ। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है सिकंदराबाद हैदराबाद से चलने वाली राजकोट गुजरात तक चलने वाली सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस के बारे में। इस ट्रेन का नंबर है 17018। अगर हम बात करें सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस के रूट मैप के बारे में, तो ये सिकंदराबाद हैदराबाद के थ्रू, पुणे, सूरत, अहमदाबाद के थ्रू ये राजकोट में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस जो है ट्राई वीकली ट्रेन है, हफ्ते में 3 दिन चलती है। हर सोमवार, मंगलवार और शनिवार को ये सिकंदराबाद जंक्शन हैदराबाद से ये राजकोट गुजरात के लिए रवाना होती है। और इस ट्रेन का नंबर है 17018 और ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। इसे साउथ सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और 28 घंटे में अपनी जर्नी जो है कंप्लीट करती है। इसके तकरीबन 28 स्टेशन हैं और 1468 किलोमीटर की दूरी जो है ये कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 52 किलोमीटर पर आवर। अगर हम बात करें सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में, तो इसमें सेकेंड ए सी, थर्ड ए सी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो सिकंदराबाद से राजकोट तक का बताऊंगा, बाकी आप अपडेटेड किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पर जाके जरूर चेक कर लें। सेकंड एसी का जो किराया है वो है 2330 रुपये, थर्ड एसी का जो किराया है वो है 1590 रुपये, स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है 590 रुपये और जनरल एंड रिजर्व डिब्बों का जो किराया है वो है 327 रुपये। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया है ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कन्फर्म कर लें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं सिकंदराबाद जंक्शन से राजकोट गुजरात तक इसका टाइम टेबल क्या है और कौन कौन से स्टेशन आते हैं। दोस्तों, सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस जो है हफ्ते में 3 दिन चलती है। सिकंदराबाद जंक्शन से ये हर सोमवार, मंगलवार और शनिवार को चलती है। सिकंदराबाद जंक्शन से इसका चलने का समय है दोपहर के 3 बजे। ये 8 या 10 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बेगमपेट स्टेशन में पहुँचती है दोपहर के 3:08 पे और 3:10 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है तेंदूर स्टेशन में पहुँचती है शाम के 4:55 पे और 4:56 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस जो है वो सेडम स्टेशन में पहुँचती है शाम के 5:24 पे और 5:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कर्नाटका के चिट्टापुर स्टेशन में पहुंचती है शाम के 5:50 के करीब और 5:50 पे ही वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है वड़ी जंक्शन में पहुंचती है शाम के 6:40 पे और 6:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कर्नाटका के आखिरी स्टेशन कालाबुरागी जंक्शन में पहुंचती है शाम के 7:22 पे और 7:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सोलापुर स्टेशन में पहुँचती है रात के 9:20 पे और 9:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है दाहौंद जंक्शन में पहुँचती है। दाहौंद जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 12:25 पे पहुँचती है और 12:30 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस जो है वो पुणे जंक्शन में पहुंचती है रात के 2 बजे और 2:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है लोनावला स्टेशन में पहुंचती है रात के 3:05 पे और 3:07 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस जो है वो करजात जंक्शन में पहुंचती है 3:58 पे रात को और 4 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और सिकंदराबाद जंक्शन से करजात की जो दूरी है 685 किलोमीटर की कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये कल्याण जंक्शन में पहुँचती है सुबह 4:37 पे और 4:40 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है भिवंडी रोड में पहुँचती है सुबह 5:18 पे और 5:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है वसई रोड स्टेशन में पहुंचती है सुबह 6:10 पे और 6:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है और 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है यहां पर रुकती है। उसके बाद सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस जो है वो वापी गुजरात में पहुंचती है सुबह 8:06 पे और 8:08 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस जो है वो वलसाद स्टेशन में पहुंचती है सुबह 8:30 पे और 10 मिनट बाद 8:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है।
उसके बाद ये ट्रेन जो है सूरत स्टेशन में पहुंचती है सुबह 9:55 पे और 10:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है और यहां पर ये एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अखिलेश्वर जंक्शन में पहुंचती है सुबह 10:40 के करीब और 10:41 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है वडोदरा जंक्शन में पहुंचती है सुबह 11:48 और 11:58 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है आनंद जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 12:29 पे और 12:31 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है नादिया जंक्शन में पहुंचती है सुबह 12:46 पे और 12:48 वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अहमदाबाद के मणिनगर स्टेशन में पहुंचती है 1:35 पे दोपहर को और 1:37 पे वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये अहमदाबाद जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 1:55 पे और 2:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 15 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस जो है वो विरंगम जंक्शन में पहुंचती है। यहां पर ये ट्रेन जो है दोपहर के 3:15 पे पहुंचती है और 3:16 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। यहां पर ये ट्रेन जो है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सिकंदराबाद जंक्शन में पहुंचती है। सिकंदराबाद जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुरेंद्रनगर जंक्शन में ये 4:30 पे शाम को पहुंचती है और 4:31 पे वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने सेकंड लास्ट स्टेशन वनखानेर जंक्शन में शाम के 5:56 पे पहुंचती है और 5:57 पे वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन राजकोट जंक्शन गुजरात में शाम के 7:00 पहुंचती है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे। और अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं या अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पर मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इसी तरह से इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गुड लक।